खुदा की मस्जिदों को तो वो लोग आबाद करते हैं जो खुदा पर और रोजे कयामत पर ईमान लाते और नमाज पढ़ते और जकात देते हैं और खुदा के सिवा किसी से नहीं डरते। यही लोग उम्मीद है कि हिदायत याफ्ता लोगों में दाखिल हों। जो लोग ईमान लाए और वतन छोड़ गए और खुदा की राह में माल और जान से जिहाद करते रहे, खुदा के हाँ उनके दर्जे बहुत बड़े हैं और वही मुराद को पहुँचने वाले हैं। उनका परवरदिगार उनको अपनी रहमत की और खुशनूदी की और बहिश्तों की खुशखबरी देता है जिनमें उनके लिए नेमत हाय जावेदानी है और वो उनमें अबदुल आबाद रहेंगे। कुछ शक नहीं कि खुदा के हाँ बड़ा सिला तैयार है। ये चाहते हैं कि खुदा के नूर को अपने मुंह से फूंक मार कर बुझा दे और खुदा अपने नूर को पूरा किए बगैर रहने का नहीं, अगरचे काफिरों को बुरा ही लगे। खुदा ने मोमिनों से उनकी जानें और उनके माल खरीद लिए हैं और उसके एवज में उनके लिए बहिश्त तैयार की है। ये लोग खुदा की राह में लड़ते हैं तो मारते भी हैं और मारे जाते भी हैं। ये तौरात और इंजील और कुरान में सच्चा वादा है जिसका पूरा करना उसे जरूर है, और खुदा से ज्यादा वादा पूरा करने वाला कौन है। तो जो सौदा तुमने उससे किया है उससे खुश रहो, और यही बड़ी कामयाबी है।